हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे, उपविषय पालतू पशु, सप्ताह 5। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है जिन जानवरों पशुओं को हम अपने घर में रख सकते हैं और पाल सकते हैं, उन्हें पालतू जानवर या पशु कहते हैं। अब प्रश्न 1 दिया गया है, कॉपी में बिल्ली का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में बिल्ली का चित्र बनाया हुआ है। आप इस चित्र को देखकर बनाएंगे और फिर इसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न पालतू पशुओं के नाम के साथ उनके घरों के नाम कॉपी में लिखो और याद करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पालतू पशु दिए गए हैं और उनका घर दिया गया है। तो आपको नीचे दिए गए पालतू पशु और उनके घरों के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। एक तरफ जानवर है और दूसरी तरफ घर का नाम, चित्र भी दिया गया है। पहला चूहा कहाँ रहता है, बिल में। दूसरा घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में। तीसरा चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में। चौथा मुर्गी, मुर्गी कहाँ रहती है, दड़बा में। पाँचवा गाय, गाय कहाँ रहती है, गौशाला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अपनी पसंद के 5 पशुओं के नाम कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको अपनी पसंद के किन्हीं 5 पशुओं के नाम कॉपी में लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ पशुओं के नाम लिख रहा हूँ। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, मुर्गी, चिड़िया इत्यादि। तो आप इनमें से या अपने पसंद के किन्हीं 5 पालतू पशुओं के नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश है, छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है और अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है और उसमें जो नए शब्द हैं उनका अभ्यास करना है, उन्हें याद करना है। दूसरा, इस सप्ताह छात्रों को खेल गतिविधि के अंतर्गत लूडो का खेल खेलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को यह बताएं कि खेल खेलने से दिमागी कसरत भी होती है। तो बच्चों, इस हफ्ते आप कौन सा खेल खेलेंगे, लूडो का खेल। तो आप इस खेल को अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 5, विषय हिंदी। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो ये आज का कथन है। खाना पीना, हरी सब्जी जैसे घिया, तोरी, टिंडा, भिंडी इत्यादि में से अपनी पसंद की सब्जी खाना। हरे सलाद में ककड़ी, खीरा आदि खाना। गतिविधि, अपने कमरे की साफ सफाई करना। खेल, अपने परिवार के साथ नीचे लिखे वाक्यों को लगातार 10 बार बोलें। कौन सा वाक्य है, चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। तो आप इस वाक्य को लगातार 10 बार बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। प्रतिदिन स्नान करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। अब नीचे दिया गया है, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। कौन सी गतिविधि है, तिरंगे झंडे का चित्र बनाकर राष्ट्र ध्वज के बारे में 5 वाक्य बोलकर उसका वीडियो बनाकर भेजें। तो यहाँ पर आपको तिरंगे झंडे का चित्र बनाना है और अपने राष्ट्र ध्वज के बारे में 5 वाक्य बोलकर उसका वीडियो बनाना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं राष्ट्र ध्वज के बारे में ये 5 लाइनें लिख रहा हूँ। आप इन लाइनों को या अपनी तरफ से बनाई लाइनों को बोलकर वीडियो बनवाकर अपने
अध्यापक या अध्यापिका को भेजेंगे। पहला, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। दूसरा, तिरंगे में तीन रंग हैं, केसरी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। तीसरा, केसरी रंग वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चौथा, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। पांचवा, हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। बच्चों, आप इन वाक्यों के अलावा भी अन्य वाक्य अपने तिरंगे झंडे के बारे में बना सकते हैं। जैसे उसके मध्य में सफ़ेद रंग पर जो चक्र बना हुआ है उसमें 24 तीलियां हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।